नमस्कार एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद में खनिज विभाग की लगातार कार्यवाही के बाद भी रेत का अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह क्षेत्र राजधानी रायपुर से नजदीकी लगा है, जिसके कारण रेत माफिया गरियाबंद जिले की नदियों से बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। हालांकि खनिज विभाग की कार्रवाई होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। इसकी वजह से यहाँ पर इसकी एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि कम लागत और ज्यादा मुनाफा होना। खनन के इस काले कारोबार में कई बड़े माफिया शामिल हैं। लोगों को शक है कि रसूखदारों को प्रभाव के चलते यहाँ पर खनन विभाग दिखावे की छोटी मोटी कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से रेत का खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में खनन विभाग से 3 हाइवा गाड़ियां और 2 यहाँ पर 12 ट्रैक्टरों पर अवैध उत्खनन करने की कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद भी अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। कार्रवाई हो रहा है और हम लोग जो है यहाँ पर जल बल के साथ पहुंचे हैं। मौके पर सिंगेश्वर घाट में रेत का अवैध परिवहन करते हुए जो जितनी भी गाड़ी पाई गई है उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए पुरुषोत्तम पात्रा। पुरुषोत्तम, यहाँ पर दिखावे की कार्रवाई कब से जारी है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महानदी में जो रेती की क्वालिटी इतना ही खराब होने के बाद जो है ये पैरी नदी के जितने भी मुहाने हैं यहाँ के रेत जो है काफी इसका डिमांड हो गया। डिमांड होने के बाद जो है रेत भिलाई दुर्ग के अलावा रायपुर जैसे बड़े शहरों में काफी कई गुना ज्यादा कीमत में बिकने लगी। तो रोजाना कम से कम 100 से 150 हाइवा की जो परिवहन है अवैध तरीके से जो रेत का खदान है वो जो खदान है जिले में जो खदान है वो है तर्रा है कुरुसकेरा है पंटोरा सिंगेश्वर के बोरी द्वारतरा कुटेना इस तरह से चिन्हांकित 7 से 8 खदान है जहाँ से टोटल हमारे जो जिले से करीब 100 से 150 हाइवा जो है रोजाना जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल कुछ ट्रैक्टर हैं कुछ हाइवा है स्थानीय इस तरह से दिखावा हो रहा है। अब कल ही खनिज विभाग ने सिंगेश्वर के ब्रिज से 12 ट्रैक्टर और 3 हाइवा को जब्त किया। जी पुरुषोत्तम, यहाँ पर जिस तरीके बताया है 100 से 150 हाइवा रोज गुजरते हैं अवैध रेत उत्खनन से लेकर, क्या बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं है? कहीं भी चेक नहीं होता कोई कौन से की रॉयल्टी है कौन से नहीं है, परमिशन है कि नहीं है? लगातार रोड पर कोई भी टोल प्लाजा या कोई भी ऐसा चेक पोस्ट नहीं बनाया है यहाँ धड़ल्ले से हाइवा निकल रहे हैं। जी, राजस्व का यह सबसे बड़ा इनकम हो सकता था अगर इस पर एक नीति के तहत सुनियोजित तरीके से अगर की जाती, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है। बारिश में अगर कोई अन्य जगह पे बंदी थे तो सिर्फ गरियाबंद जिले का खदान था जहाँ पे जो बड़े जो रेत माफिया यहाँ पे बरसते थे और उस बारिश के समय से लगातार जारी है और यहाँ पे चेक पोस्ट के नाम कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई जांच नहीं होती। केवल जो उस रूट में जो पड़ने वाले थाने हैं वो थाने होते हैं, जांच का अधिकार थाने को भी है माइनिंग को भी है, लेकिन कार्यवाही जो है केवल समय समय पे दिखती है जिसके कारण बहुत लाखों का नुकसान जो है डीएमएफ ने जो पैसे गलत तरीके से आने थे वो फंड का पैसा जो वहाँ जो मिली भगत करके जो संलिप्त है उनके जेबों में जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि स्थानीय लोग ही यहाँ पे जो समितियां अपने स्तर पर बना ली हैं जो अवैध तरीके समिति है वो लोग खुद अपना जेसीबी फोकलेन मशीन लगाते हैं और सीधा उनका नेटवर्क रहता है, उस नेटवर्क को फोन करते हैं, कुछ दिन के लिए बंद होता है, कार्रवाई बड़ी कार्रवाई होती है कुछ दिन के लिए बंद रहता है, फिर लगातार इस तरह ऐसा चलता है कि मतलब आप उस सड़कों में आप देखेंगे कि छोटी जो कारें हैं उनको जाने के लिए तक जगह नहीं मिलता। और ये तो दिन भर चलते रहता है लेकिन शाम के बाद जो रात करीब 8-9 बजे के बाद इसकी जो वाहनों की जो धड़ल्ले से आवाज आई। मैं आपको रोक देना चाहूंगा, राजेंद्र भारतीय कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन्होंने ही मुहिम छेड़ी है स्वराज एक्सप्रेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारती जी। जिस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है ये, जिस तरीके देखा जा रेत का खनन और इस पर प्रशासन ऐसे आंख बंद करके बैठा हुआ है और नाम मात्र की कहने के लिए कार्रवाई होती है और ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं बल्कि 100 से 150 हाई रोज गुजरते हैं। जी सर, तो भारती जी भारती अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की ये सरकार होने के बावजूद इस तरह का खनन क्यों चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस का तो हमेशा से भाजपा पे यही तीखा बार रहा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, यहाँ तो खाबा खाबा चल रहा है हमेशा। क्या है सर, इसमें सरकार जो है गंभीर है और यहाँ प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई भी हुआ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी राजन जी हमारे साथ प्रीतम सिन्हा भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। जी 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 आप बात पूरी कीजिए। जी
जी दिया क्या है सर ये कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है पहले भी चोरी छिपी जो है रेत खनन चलाते थे और आज भी मैंने शिकायत भी किया था, कार्रवाई भी की 30 हाइवा और 300 ट्रक और दो जेसीबी मशीन को जब्ती बनाए थे, 8-15 दिन तक थाने में खड़ा किए थे और वो लोग आज भी दादागिरी में उतर चुके हैं। 10 बजे रात को गाड़ी चालू करवाते हैं और रेत भर भर के चोरी कर क्या बोलते हैं, हमको सरकार से लेना देना नहीं है और हम लोगों को पैसा आ रहा है तो हम क्यों छोड़ेंगे, ऐसा बोलते हैं। इस तरह से दुर्व्यवहार करने में भी लगे हुए रहते हैं भाई रेत माफिया के जो लोग हैं जो ठेका चला रहे हैं। ये सरकार को एक बदनाम करने की साजिश है और कल भी मेरा बात हुआ माइनिंग अधिकारी से, इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे तो मैं कल जाने वाला हूं कलेक्टर साहब को। राजेंद्र जी जो प्रशासनिक अमला है वो फिर किसके भरोसे चल रहा है, अपने आप चल रहा है क्या? सरकार आपकी है, प्रशासनिक अमला आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए लेकिन वो अपने आप चल रहा है यहाँ पर? नहीं नहीं, प्रशासनिक अमला का अंदरूनी सहयोग जरूर होगा मैं मानता हूँ, लेकिन जो त्वरित कार्यवाही कलेक्टर साहब ने अपने स्तर पे किया है वो प्रशंसनीय है और आज भी वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और मैं तो इसको मुहिम ऐसा छोड़ा हूँ कि रेत खदान चल मेरे को मरना पड़े लेकिन अवैध रेत खदान मेरे क्षेत्र में चलने नहीं दूंगा मैं। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रीतम सिन्हा जी, जिस तरीके से देखा जाए ये अवैध रेत उत्खनन का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हालांकि राजेंद्र भारती जी ने जो अपनी सरकार को तो बचा लिया, प्रशासनिक अमले पर पूरा थोप दिया है, अब आप बताइए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, जनता है क्या? वर्तमान सरकार के रेत, एक मिनट एक मिनट जी, सरकार की वर्तमान की रेत नीति जो है, सरकार जो अभी वर्तमान में रेत नीति जो चालू की है कहीं ना कहीं अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। और जहां तक गरियाबंद का सवाल है, गरियाबंद में अभी विगत कुछ दिनों से इतना अवैध खनन माफियाओं के द्वारा अति मात्रा में अवैध उत्खनन कराया गया। जी रेत नीति तो आपके समय में भी थी, तब कौन सा खनन रुक गया था? गरियाबंद प्रशासन के द्वारा खुद मैंने शिकायत किया, उसके बाद भी पॉइंट आउट नहीं हुआ। मुख्य सचिव को शिकायत करने के बाद सोशल मीडिया में जब वायरल हुआ मामला, तब कहीं जाके कलेक्टर गरियाबंद ने, चलिए राजेंद्र भारती जी ने तो इस पर कार्रवाई करने के लिए मुहिम छेड़ी, आपने क्या किया? आप तो विपक्ष में है ना, कार्यवाही करने के लिए मुहिम छेड़ा। आज तक आप हिंदुस्तान के इतिहास में देख लीजिए कहीं भी डैम तालाब और नहर के पार में रेत का बड़ा बड़ा हाईवा परिवहन नहीं हुआ है, लेकिन गरियाबंद जिला ताजा उदाहरण है। पहरी नहर के बीचों बीच जो एक नहर बनी हुई है जो राजीव विधानसभा के लिए एक जीवनदायिनी है, उसके ऊपर में अगर हाईवा चल रहा तो दोषी कौन है? शासन और प्रशासन दोनों दोषी है। हजारों ट्रकें अगर रात रात निकल रही है थाना के बाजू से, कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग उनमें इन्वॉल्व है। दोषी तो ठीक है, लेकिन प्रीतम जी आपने क्या किया, आपने कौन सी मुहिम छोड़ी, आप कौन सा धरना प्रदर्शन किया, यहाँ पर रेत का खनन रुकना चाहिए? धरना प्रदर्शन तो पक्ष में आप बैठे हैं, सत्ता पक्ष का आदमी उस चीज की मुहिम छेड़ रहा। मैंने अवैध उत्खनन रोकने के लिए कलेक्टर गरियाबंद और जिला प्रशासन के जितने भी आला अफिसर हैं उनसे अगर निवेदन किया नहीं हुआ तो मैंने मुख्य सचिव सुनील कुमार से, सुनील कुजूर जी से इसकी लिखित में शिकायत दर्ज कराया है। राजेंद्र भारती जी, जी सर मैं बोलना चाह रहा हूँ इसमें, जी बोलिए, कि आज 8 महीने की सरकार है, हमने तो मुहिम छेड़ा है, उसके पहले से रेत जो है माफिया लोग भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों। राजेंद्र जी एक सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासनिक अमले तक ही ये माफिया सीमित है? आज जितने भी रेत खदान चल रही है सब अवैध तौर पे चल रही है, इसके पहले कहीं ना कहीं रेत के खदान का लीज वितरण किया गया था, उसका शासन को तो कहीं ना कहीं। राजेंद्र जी सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, प्रीतम जी मैं आपके पास लौटूंगा, कि सिर्फ प्रशासनिक अमले तक इन माफियाओं की पैठ है क्या है सर? वहाँ के प्रतिनिधि विधायक को इस चीज का संज्ञान नहीं है? सुनिए, घुसपैठ तो नेताओं से लेके अमले तक रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले अमले। अरे राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में जो होता था इसीलिए विपक्ष में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, जनता ने विपक्ष में साइड कर दिया, अब आप है सत्ता में। सुनिए ना सर, हमारी सरकार जो अगर इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो उनको भी भविष्य में खतरे मंडराएगा, मैं उसको सरकार को आगाह कर रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार के लोगों की सरकार इन्वॉल्व है, आपकी सरकार इन्वॉल्व, हमारी सरकार इन्वॉल्व नहीं है, हमने तो कार्रवाई करवाया है। आप और कल भी मैं 4 बजे रात को आया हूँ दौरा से, चल रही है भारती जी, आपको भी मालूम है। प्रीतम सिन्हा जी, गरियाबंद में 3 जो है टेंडर हो चुका है, सुनिए ना, 3 जो है खदान जो है गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर किया जा चुका है और अन्य खदान भी प्रक्रिया में है, लेकिन रायती अब जारी किया कि नहीं किया मेरे इसके बारे में जानकारी नहीं है।
जसपुर जिला में टेंडर हुआ था, निरस्त करा दिया गया शासन के द्वारा। मैं जसपुर जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरियाबंद जिले की बात कर रहा हूँ। अवैध की खदाने का जो अवैध उत्खनन चल रहा है, शासन और प्रशासन के निर्देश पे चल रहा है, उसमें भाजपा शासन प्रशासन के निर्देश में नहीं चल रहा है। बिल्कुल राजेंद्र भारती जी, अभी समय है राजेंद्र भारती जी, आपकी सत्ता है, आपके हाथ में है प्रशासन, और अगर उसके बावजूद भी आपके हाथ से प्रशासन काम नहीं कर रहा है, आपके द्वारा बताए हुए निर्देशों पर काम नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है कि अगले आने वाले कुछ सालों में आप भी जो बीजेपी साइड में बैठी हुई है, विपक्ष में बैठी हुई है, तो उसमें देर नहीं लगेगी। बेहतर है कि व्यवस्थाएं सुधारें और खनन को रोकें। चलिए प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद आपको।